ہمارا فائنل لک ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کی شان دیکھے جی یہ دیکھے ابھی یہ ٹیسٹ کر کے پتہ چلے گا کیسے بنے ہیں سینڈوچ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت سا ویو دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ کی شان دیکھے سبحان اللہ یہ دیکھے آپ جی ہم آ گئے ہیں پیارا سی ساگ کے کھیت میں یہ پالک کا ساگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت فریش سا لک دے رہے ہیں السلام علیکم کیسے آپ سب میرے آج کی نیو ولاگ میں آپ سب کا ویلکم امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں گرم ساگ اس میں پالک ساگ سب مکس ساگ سے ٹھیک ہے پہلے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اب ہم اس کو ہم کاٹیں گے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم اس کو کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے
जी अब हम ऐसा ऐसा करके सारा वो जो साग है उसको हम काट लेंगे ठीक है अच्छी तरीके से। तकरीबन जो हमारा वो सारा साग था वो मैंने सारा कट कर दिया ठीक है। अभी हम इसको दोबारा वॉश आउट करेंगे ठीक है अच्छी तरीके से। देखिए हमने इसको बहुत मज़े से इसको काट लिया देखिए आप देख सकते हैं ठीक है। और जब मैं इसको वॉश करूँगी तब आप देख लेंगे कि आगे हमने इसको किस तरीके से पकाना है ठीक है। तो स्टे विद मी। अभी हम इसको दोबारा वॉश करेंगे अच्छी तरीके से। अगर कहीं पर धूल मिट्टी हो तो वो चली जाए यहाँ से ठीक है। अभी हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश हो रही थी कि देखें अच्छी तरीके से हम इसको वॉश कर रहे हैं। देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर दिया साफ़ सुथरा आपको नज़र आ रहा है वही मतलब फ्रेश है। हमने बाहर से तोड़े थे ठीक है तो हमने इसको बस वॉश कर दिया। पहले भी धोए थे अभी दोबारा हमने इसको वॉश आउट कर दिया। तो खूबसूरत मज़ेदार सा ग्रीन सालों का आप देख रहे इसका। जी हमने लहसुन उसको अच्छे तरीके से वो कर दिया छील दिया ठीक है। अभी इसको अच्छे तरीके से कोटिंग ने टमाटर काट दिए ठीक है इसके लिए साग के लिए। और लहसुन तकरीबन इसका पेस्ट बना दिया बड़ा वाला चम्मच हमने इसमें एक ऑयल डाल दिया ठीक है। अभी हम इसमें लहसुन डालेंगे थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए उसमें फिर हम लहसुन डालेंगे। हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है अभी हम इसमें अच्छे तरीके से लहसुन डालेंगे ठीक है। ये हमारा लहसुन इसको गया तो हम लकड़ी ब्राउन करेंगे ठीक है थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए ना ठीक है। साथ में हम ये वाले लच्छे डालेंगे ठीक है एक गोल मज़ेदार की वाली थोड़ा सा ये हम ब्राउन होने जा रहे हैं ठीक है। ठीक है अब हम इसके ऊपर साग डालेंगे ऐसे हमने इसमें सारा साग डालना है ठीक है। हल्की हमने आंच हल्की रखनी ठीक है जी हल्की होगी हमारी आंच। साग हमारा इसमें डल चुका है तकरीबन सारा। अच्छा अभी हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छी तरीके से बिल्कुल हमने इसको मिक्स किया थोड़ा सा हम इसके ऊपर सर रखेंगे ताकि थोड़ा सा ढक जाए ठीक है। उसके बाद हम और कार्रवाई करेंगे जी इसको ढक लिया जी। अभी हम देखते हैं साग तकरीबन हमारा वाव देखिए खुद बहुत दो हो गए ठीक है। अभी हम इसमें डालेंगे हमारा जो टमाटर है वो इसमें जाएगा ठीक है। इसके ऊपर हमारा कूटा हुआ ठीक है ये रेड कलर की कूटी हुई हमारी लाल मिर्च इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर साग में हम हसबी ज़रूरत नमक डालेंगे ठीक है। फिर चेक करेंगे उसके बाद ये हमने नमक डाल दिया थोड़ा सा। अभी हम सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। हो गया अब हम इसके ऊपर सर रख देंगे इसको कुछ देर के लिए।
क्लासेस के बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है? अरे पाला सा बच्चा मेरा, गोल गप्पा बिग जॉन जॉनी जॉनी बोलो, जॉनी जॉनी। इसका मूड तकरीबन खराब हो गया है, ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। वाह, जिसे किचन में हम एंटर हुए, खुशबू मजेदार, कमाल की खुशबू। अभी हम चेकआउट करते हैं, लेट्स सी। अभी हम इसको वाह देख सकते हैं आप जी। इसको हम अच्छी तरीके से अभी हम मिक्स करेंगे। टमाटर भी अभी इसमें वो करेंगे, ठीक है? खुशबू बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह इसकी। टमाटर को हम अच्छी तरीके से वो करेंगे, ठीक है? वो हम मैश कर देंगे, ठीक है? अच्छा जी, हमारे तकरीबन जो टमाटर थे हमने इसको वो कर दिया, ठीक है, मैश आउट कर दिया। अभी हम इसका नमक टेस्ट करेंगे। टेस्ट करो ज़रा नमक कैसा है, ताकि पता चले अगर थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा कम है हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ऐड करो इसमें, बस। रहन अभी जो चूल्हा है उसको हमने तेज़ कर दिया, ठीक है? जब तक हमारा इसमें से ऑयल नहीं निकलेगा तब तक हमें इसको पकाना है, ठीक है? मज़ेदार सा ऑयल निकलेगा तो तब हमारा जो साग है ये कुक चुका होगा। और दूसरी बात, जब आप साग बना रहे होते हैं तो ठीक है, आपने इसको ऐसा नहीं करना कि बस आपने साग चढ़ा दिया और फिर चले गए, नहीं। इसके साथ आपने कड़ा रहना है, ठीक है? और इसको ऐसे ही करते रहना है ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से कुक आउट हो जाए, ठीक है? क्योंकि अलहमदिल्ला बिजली भी आ गई, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि बिजली आ गई, वरना लॉकडाउन वालों ने तो सही बुरा हाल बना दिया है। देखिए हमारा, पता नहीं इसको क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा सूख रहा है, जो शायद सर्दी आ गई है इसलिए शायद। ये हमारा प्यारा छोटा सा एक गार्डन है, ठीक है? ये इसको तो मैं वीडियो में दिखा चुकी, ये मेरा सबसे फेवरेट जगह है। ये देखें खूबसूरत सा एक प्लांट है, इसके साथ आती है इतनी प्यारी खुशबू बंदे को आती है। ये फ्लावर जो है पता नहीं कौन सा द्रव है, प्लांट है, आई डोंट नो, बट खुशबू माशाल्लाह बहुत कमाल की इसकी, बहुत ज़बरदस्त। और ये देखे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, देखे बहुत ऐसा था जिसमें पेंटिंग हुई हो, माशाल्लाह देखे ज़बरदस्त। ये हमारे घर का छोटू सारा दिन इसका मोबाइल के साथ काम बस होता है, और कोई काम इसका नहीं होता। ये जो है ये बहुत ज़्यादा वो है, नोटी बॉय, नोटी नोटी। वाह माशाल्लाह, लुक देखे आप, ज़बरदस्त। लुक वाओ माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ज़बरदस्त। थोड़ा सा 5 मिनट इसको और करते फिर हमारा साग तैयार होगा। यहाँ पर बन रही है हमारी रोटियाँ, मजेदार सी। लुक माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, ठीक है? हमारा फाइनल लुक है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान देखे जी। ये देखे अभी करके पता चलेगा कैसे बने हैं, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा हमने गार्डन से तोड़े, सैलेड हमने तैयार किया है देसी देसी। आज हमने सोचा देसी वाला खाना बना दिया, कैसे बने साग अम्मा? चलो इसी वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।